शुभ मध्याह्न बच्चों, स्वागत है आप सभी का दूसरी कक्षा में। तो कल के क्लास में क्या देख रहे थे हम, मोटी बकरी, इसके क्या देख रहे थे, क्वेश्चन आंसर देखे हैं, हाँ सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए और खाली जगह भरिए, खाली स्थान भरिए, वो हमने कल के क्लास में देखा है। तो आज के क्लास में क्या देखेंगे, नीचे दिए गए समान अर्थ वाले शब्द याद करें, मतलब जो समान अर्थ के शब्द है वो हमें देखना है। क्या ये भाषा ज्ञान है, हाँ आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी भाषा का, इसके लिए ये दिया है। पेज नंबर 14। तो क्या है, देखो नीचे दिए गए समान अर्थ वाले या पर्यायवाची शब्द याद करें। तो घर, ये हमारा घर है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रह, एक तो ग्रह बोलते हैं, दूसरा सदन बोलते हैं, तीसरा भवन बोलते हैं। घर को समान अर्थी शब्द क्या क्या है, ग्रह, सदन और भवन। अच्छा, अच्छा को समान अर्थक शब्द क्या कौन कौन से है, भला, उचित और उपयुक्त। भला, अच्छा का समान अर्थी शब्द क्या है, एक भला है, हाँ भला मतलब भी अच्छा, उचित, उचित मतलब भी अच्छा और उपयुक्त, उपयुक्त मतलब भी अच्छा। अभी पानी, पानी को क्या क्या बोलते हैं, हाँ एक तो जल बोलते हैं, दूसरा नीर बोलते हैं, तीसरा वारी बोलते हैं और पेय बोलते हैं। पानी को क्या क्या बोलते हैं, देखो जल, नीर, वारी और पेय। तो आगे का है खुशी, खुशी मतलब खुशी होना, आनंद होना, तो खुशी मतलब क्या, हर्ष, प्रसन्नता और आनंद। खुशी का मतलब क्या क्या है, खुशी के समान आते शब्द हर्ष, प्रसन्नता और आनंद। पुत्री, पुत्री मतलब अपनी बेटी, जो बेटी होती है, लड़की होती है, उसको बोलते हैं पुत्री। तो पुत्री को क्या क्या बोलते हैं, बेटी, सुता, आत्मजा और दुहिता। हाँ पुत्री को क्या क्या बोलते हैं, बेटी, सुता, आत्मजा और दुहिता। दुख, अभी दुख उसको क्या बोलते हैं, कष्ट, शोक, पीड़ा या वेदना। क्या क्या बोलते हैं, कष्ट, शोक, पीड़ा और वेदना, ये है समान अर्थ वाले शब्द। अभी दूसरा है शब्द पढ़े और लिखे, शब्द पढ़े और लिखे। तो क्या क्या है इसमें, इसमें प्लस डालकर लिखा है, तो वो क्या कर रहे हैं, हमें प्लस निकाल कर उसे शब्द बनाना है। जो प्लस प्लस डालकर लिखा है वो प्लस निकाल कर हमें शब्द बनाना है, तो वो कैसा देखेंगे अभी। दूसरा है शब्द पढ़े और लिखे, यहाँ है मोटी बकरी, मोटी बकरी। क्या है इसका, भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान। तो क्या है, शब्द पढ़े और लिखे। शब्द पढ़े और लिखे, शब्द पढ़े और लिखे। तो कौन कौन से है देखो, पहला है की प्लस सा प्लस न, दूसरा है वी प्लस रा प्लस म, तीसरा है मू प्लस ला
प्लस य प्लस म, चौथा है बा प्लस जा प्लस र, पांचवा है का प्लस र प्लस ण प्लस व प्लस श। देखो कितना बड़ा शब्द है। पांचवा सिक्स सिक्स वन है छठा आ प्लस नन प्लस द। तो ये क्या करने है? देखो अभी इनमें से जो प्लस लिखा है वो निकाल कर एक शब्द लिखना है, वही शब्द सिर्फ प्लस निकाल कर लिखना है। देखो अभी ये एक प्लस निकालना, ये एक निकालना, तो क्या हो गया किसान, क्या हो गया किसान, किसान। दूसरा है देखो, दूसरा ये भी प्लस और ये भी प्लस, क्या करना है हमें निकालना है। तो विश्राम, विश्राम। हाँ ऐसे ही क्या कर सकते हैं आप, और शब्द कौन से भी लेके ऐसा कर सकते हैं। पहला प्लस डाल के लिखना, फिर वो लिखा निकाल के शब्द लिखना। अभी देखो ये मु, एक दो तीन, ये तीन प्लस जो है वो क्या करने हमें निकालने हैं। देखो ये एक दो तीन, तो कौन सा शब्द बनता है? मुलायम, मुलायम, मुलायम। चौथा है बा प्लस जा प्लस र, तो इसमें से प्लस निकाला तो कौन सा अक्षर बनता है, कौन सा शब्द बनता है बोलो। कौन सा शब्द बनता है? बाजार। कौन सा शब्द? बा प्लस बा जा र, बाजार। कौन सा शब्द बना? बाजार। अभी ये देखो कितना लंबा है, का प्लस र प्लस न प्लस व प्लस श, तो ये सभी प्लस क्या करने हैं हमें यहाँ पर से निकालने हैं। एक दो तीन चार, ये क्या करने हैं हमें यहाँ से निकालने हैं। तो कौन सा बना? का र, का र न व श, कारणवश। कौन सा शब्द होना? कारणवश। और लास्ट होता है आ प्लस नन प्लस द, क्या हो गया? आनंद, आ नन द, आनंद। तो ये भाषा ज्ञान, मोटी बकरी, उसमें भाषा ज्ञान जो था, समान अर्थ वाले शब्द और शब्द पढ़े और लिखे। तो ये शब्द पढ़े और लिखे, इसमें क्या है, ये प्लस प्लस डाल के जो लिखा था वो हमने प्लस निकाल कर शब्द बनाया है। ओके, की प्लस सा प्लस न, उसका क्या हो गया? किसान। विश्राम, वी प्लस रा प्लस म, क्या हो गया? विश्राम। मु प्लस ला प्लस य प्लस म, क्या हो गया? मुलायम। ऐसे ही हमने सभी शब्द लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, ये है आपका आज का क्लास वर्क, और क्या करना है, यही होमवर्क भी वन टाइम करना है, होमवर्क वन टाइम, होमवर्क भी क्या करना है इसको आपको वन टाइम करना है। तो आज के लिए इतना काफी है, आगे का भाग कल की क्लास में देखेंगे। जो संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं वो, और विपरीत अर्थ के शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिला है वो क्या क्या करेंगे हम कल की क्लास में देखेंगे। तो हमारा मोटी बकरी यह पाठ खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।